9 नवंबर 2023, 14 साल से जो वेबसाइट स्ट्रेंजर्स को एक दूसरे से मिला रहा था वो अचानक से शटडाउन हो जाता है। जब ओमेगल के फाउंडर लीफ के ब्रूक से ये पूछा जाता है कि ओमेगल शटडाउन करने के पीछे रीज़न क्या है, तो वो बोलते हैं कि ओमेगल एक ऐसा वेबसाइट था जिस पे हम कोई एड्स रन नहीं कर रहे थे, जिस पे हम कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं कर रहे थे, तो सर्वर को मेंटेन करने के लिए हमें जितना फंड्स चाहिए था उतना रिटर्न में हमें नहीं मिल रहा था, दैट्स वाई वी शटडाउन ओमेगल। लेकिन ये बात एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही डार्क रीज़न है जो आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू फिनटेल। मेरा नाम है अमित। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द डार्क साइड ऑफ ओमेगल दैट कॉज्ड ओमेगल बैन। Hailey Shell's family directly blames that website for linking their daughter up with this man who they say then lured her to run away from home. I was consistently being forced to do things that a child should not have to do. तो कहानी शुरू होती है AM नाम की एक anonymous activist। AM मतलब इसका एक नाम नहीं है, like उसका identity कभी reveal नहीं किया गया because of her safety purpose, because कहीं कहीं कुछ article में उसका नाम Alice दिखाया गया, कुछ आर्टिकल में उसका नाम AM दिखाया गया, दैट वी डोंट नो हर पर्टिकुलर नेम। हम भी आज इस वीडियो पे उसको AM नाम से कंसिडर करते हैं। कहानी शुरू होती है January 2019 में। सो AM नाम की एक अननोमस एक्टिविस्ट ने ओमेगल के ऊपर $22 मिलियन का केस सूट फाइल किया। द रीज़न बिहाइंड केस सूट, जब उनसे पूछा जाता है तो AM अपने खुद के साथ हुई एक घटना को एक्सप्लेन करती है, एंड ये सुन के मेरे भी रोंटे खड़े हो जाते हैं। जब AM बता रही थी अपनी कहानी, ये शुरू होती है 2014 में, जब AM बस एक 11 ईयर की छोटी सी बच्ची थी जिसको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं था, एंड शी इज़ वन ऑफ द ब्रेव गर्ल ऑफ द स्कूल। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी एंड सोशली बहुत ही एक्टिव थी, एंड AM हंसती खेलती बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके फ्रेंड्स ने उसको ओमेगल के बारे में बताया, एंड उसी दिन वो घर जाके ओमेगल के बारे में एक्सप्लोर करती है तो उसे ये वेबसाइट मिलता है, एंड वो हर दिन ओमेगल को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देती है। स्टार्टिंग के कुछ दिन उसे ओमेगल उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे से AM ओमेगल को यूज्ड टू हो जाती है, एंड ओमेगल पे जो भी मिले उनसे अच्छे तरीके से वो बात कर सकती थी। एंड ऐसे ही एक दिन होता है जब रात में उसको ओमेगल टेक्स्ट पे रैन फॉर्डाइस नाम का एक बंदा मिलता है, एंड AM उसके साथ 15 मिनट तक टेक्स्टिंग करती है। इस टेक्स्टिंग में AM को पता चलता है कि रैन उससे बहुत बड़ा इंसान है, एंड ही नो ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी है, वो उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा सोच के वो अपना किक अकाउंट उसको दे देती है। किक इज़ बेसिकली अल्टरनेट ऑफ व्हाट्सएप, जिसमें हमें मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं रहती, हम बस यूज़र नेम के थ्रू उसको लॉगिन कर सकते हैं, एंड मेनली ये छोटे बच्चे यूज़ करते हैं। जब रैन फॉर्डाइस को AM का किक अकाउंट मिला तो उसके बाद से ये पूरा खेल शुरू होता है। हर दिन रैन उसको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, क्या कर रही हो, खाना खाया, ये सब सवाल पूछता था। ये सवाल पूछ के उसके ऊपर बहुत ही केयर जताता था वो। वो ऐसे दिखाता था कि वो AM के लिए बहुत केयरफुल इंसान है, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा इंसान है। ऐसे उसको भरोसा दिलाने के लिए वो हर दिन उससे बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्स्टिंग करता था। धीरे धीरे से AM भी उसके साथ प्यार कर बैठती है, एंड ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करने लगते हैं। दिन बीतता जाता है, ये दोनों अच्छी तरीके से बात करते रहते हैं। 1 month के बाद रैन फॉर्डाइस AM से उसका एक फ़ोटो मांगता है, एंड दिस टाइम द फोटो इज़ नॉर्मल। द कंडीशन ये था कि फेस उसका क्लियर आना चाहिए। जब AM ने उसको अपना फ़ोटो भेजा वो बहुत ही खुश हो गया, एंड उसकी तारीफ़ करने लगा। ये तारीफ़ सभी सुन के AM भी खुश हो जाती है, एंड उसको लगता है ये सब सेफ़ है। लेकिन अगले दिन भी रैन उससे उसका फ़ोटो मांगता है। जब AM अपनी फ़ोटो सेंड करती है तो फॉर्डाइस फिर से उसकी तारीफ़ करता है। ऐसे करके उसकी तारीफ़ें कर करके उसको ऐसे बना देता है वो खुद से उसका फ़ोटो सेंड करने लगती है। लेकिन ऐसे ही करते करते रैन उसको स्पेसिफिक एक्टिविटी करने बोलता है, लाइक फ़ोटो विथ योर फ्रेंड्स, फ़ोटो विथ योर फैमिली, फ़ोटो वाइल ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ऐसे फ़ोटो मंगवाता रहता है, एंड AM उसे फ़ोटो सेंड करती रहती है। ऐसे होता है तकरीबन 1 साल के लिए। 1 साल होने के बाद रैन फॉर्डाइस AM से एक रिक्वेस्ट करता है कि सेंड हर न्यूड्स। जब AM को ये बात पता चलता है तो AM बिना सोचे उसको अपनी न्यूड्स सेंड कर देती है, बिकॉज द रीज़न इज़ AM उसके प्यार में गिर चुकी थी। AM को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। AM को बस इतना पता था रैन मेरा है, एंड रैन के सिवा मेरा कोई नहीं है, एंड इन सब के बीच में AM ने अपने घर वालों से बात करना तक छोड़ दिया था, एंड ऐसे करते हुए AM ने अपना न्यूड्स रैन फॉर्डाइस से शेयर करती है, एंड धीरे धीरे से वो हर दिन उसका न्यूड्स मांगने लगता है। एंड एक दिन क्या होता है, AM न्यूड्स देने से मना कर देती है।
जब ये बात रैन को पता चलता है तो रैन बोलता है कि अगर तूने नहीं भेजा तो ये सारे जितने भी फोटोज मेरे पास है ये तेरे पेरेंट्स को भेज दूंगा। तो इस बात पे डर के एएम उसको हर दिन अपना नोट्स शेयर करती रहती थी, एक 12 ईयर की बच्ची जिसके साथ ये सब होता रहा। एंड उसको इस दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं था, उसको सेक्स के बारे में पता नहीं था, उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में पता नहीं था, ये सेक्स क्या चीज़ होती है इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन ये बंदा उसको हर दिन एक वल्गर एक्टिविटी करते हुए वीडियो मंगवाता था एंड वो उसको डर के मारे वीडियो भेजती रही। एक छोटी बच्ची के साथ ये सब जुल्म हो रहा था एंड ये बच्ची किसी को बता भी नहीं सकती थी बिकॉज शी इज़ ट्रैप्ड, ये एक हॉस्टेज बन चुकी थी। ऐसा नहीं है कि एएम इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करती, एएम ने बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट किया लेकिन हर बार वो सुसाइड अटेम्प्ट में फेल हो जाती है एंड फेलियर का स्ट्रेस भी वो अपनाने लगती है। इन सब के चक्कर में वो बहुत ही डीपली डिप्रेशन में जा रही थी, किसी के साथ ढंग से बात भी नहीं कर रही थी, अपने में खोई रहती थी। वो समझ चुकी थी कि मेरी दुनिया बस ख़त्म हो चुकी है, मैं इसके अंडर रहूँगी, लाइफ लॉन्ग मुझे इसको झेलना पड़ेगा। लेकिन 4 साल बाद कनाडा पुलिस एक इंसान को अरेस्ट करती है इन द केस ऑफ सेलिंग चाइल्ड पॉर्न्स एंड डार्क मटेरियल टू डार्क वेब। एंड ये बंदा और कोई नहीं था, इसका नाम था रैन फॉर्डाइस। जब रैन फॉर्डाइस अरेस्ट होता है तब इसके घर में पुलिस जाती है। वहाँ पे जाने के बाद पुलिस वालों को दिखता है कि रैन फॉर्डाइस के एक वाइफ है एंड 2 टीनेजर बच्चे हैं एंड उसके साथ उसका कंप्यूटर जब चेक किया गया वहाँ पे 3 अलग अलग लड़कियों के न्यूड्स थे, वो भी 3000 से ज़्यादा, उनमें से 300 तो बस एएम के थे। जब एएम के फोटोज देखा गया तो उसका आइडेंटिटी पता नहीं चला, जब उसका स्कूल यूनिफॉर्म में एक फ़ोटो देखा तो उसके आइडेंटिटी कार्ड में उसका एड्रेस था एंड वहाँ से उसका पता चल गया और कनाडा पुलिस ने यूएस पुलिस से कम्युनिकेट किया एंड एएम को इन सभी चीज़ों से दूर करवाया। जब ये बात एएम के पेरेंट्स को पता चला, एएम के पेरेंट्स थैंकफुल होके एएम की तरफ ध्यान देने लगते हैं एंड एएम को इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए हेल्प करते हैं। ये सब एएम नाम की छोटी बच्ची के साथ हो रहा था। ओमेगल आजकल प्रेडेटर्स के लिए एक टूल बन चुका है। प्रेडेटर्स ओमेगल में छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके साथ ये हरकतें करते हैं। ये सब ख़त्म होने के बाद ये इनको कहीं का नहीं छोड़ते और इन्हें ये मटेरियल सेल करने के लिए डार्क वेब तो है ही, और ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये ओमेगल पे ये वीडियोस सेल करते हैं। कभी आपने ओमेगल यूज़ करते टाइम अचानक से स्क्रीन पे एक पॉर्न वीडियो प्ले होते हुए देखा होगा, कुछ सेकंड के लिए प्रीव्यू जैसे प्ले होता है, उसके बाद आगे का वीडियो देखने के लिए आपको पे करने के लिए डिमांड करते हैं। ऐसे ही करके बहुत सारे लोग खरीद भी लेते हैं, इनके साथ बहुत ही बड़ा बिजनेस स्टार्ट होता है। जब रैन को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चलता है रैन एक स्किल्ड मर्चेंट था, उसका काम ही बस छोटे बच्चों को फंसाना था। छोटे बच्चों को फंसा के वो उनके न्यूड्स या फिर चाइल्ड पॉर्न रिलीज करता था एंड रैन ये भी बताता है वो एक 12 मिनट का वीडियो $300 तक में सेल करता था। $300 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एंड ऐसे ही नहीं, एक प्रोडक्ट बनाया है तो उसे कंज्यूम करने के लिए कस्टमर्स भी चाहिए। आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद इंडिया में ही 16% ऑफ चाइल्ड पॉर्न कंज्यूमर्स इंक्रीज हुए हैं, वो भी बस एक साल में। आप लोग इसका अंदाज़ा लगा लो कि ये मार्केट कितना बड़ा है। ये लोग हमारे पास में हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर हमारा सगा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, किसको पता। एक टर्म आता है पीडोफाइल्स। पीडोफाइल्स मतलब अ पर्सन हु सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ चिल्ड्रन। ये बिहेवियर नहीं, ये एक टाइप का फैंटसी है एंड लोग इसको लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहते बिकॉज ये बहुत ही गंदा लगता है। बट ये लोग इसे फुलफिल करने के लिए ऐसे वेबसाइट में जाके ऐसे बच्चों को हरैश करते हैं। ये सब ओमेगल के थ्रू हो रहा था एंड इसी के साथ एएम का केस ख़त्म होता है एंड एएम ने केस सूट को सेटल करने के लिए ओमेगल को परमानेंटली शटडाउन करने का रिक्वेस्ट करती है एंड ये फुलफिल हो जाता है एंड इसी के साथ ओमेगल का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं रेगुलरली डालता रहूँगा एंड आई टुक अ 1 ईयर टाइम फ्रॉम माई पेरेंट्स टू अचीव 100K सब्सक्राइबर्स। आई होप यू ऑल गाइज विल सपोर्ट मी एंड आप लोग कमेंट करो यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज की तरह आप लोगों का कमेंट का वेट करता हूँ, आते ही तट से रिप्लाई भी दे देता हूँ। प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो कैसे भी हो आप लोगों का कमेंट देखिए मुझे बहुत ही मोटिवेटेड फील होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपने घर वालों का एंड अपना ख्याल रखना। बाय बाय।